हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को इंसर्ट कॉलम करना सिखा रही हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, उनके बीच में मुझे और मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय द VBA, ठीक है। तो डेवलपर टूल में जाएंगे, विजुअल बेसिक के अंदर जाएंगे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। मॉड्यूल में मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये सारे आपकी जितनी वर्कशीट है सब में आपका एक्सेस हो सके, इसलिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक सब नाम का फंक्शन बनाया, इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स लिखा मैंने यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए, आई एंड जे एज इन टीचर, ओके। नेक्स्ट क्या किया मैंने, एक्टिव किया सेल को, ठीक है। और एक्टिव सेल करने के बाद ताकि जिस कॉलम में मैं हूँ उसके पूरे कॉलम क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। हमने उस कॉलम को पूरे को सेलेक्ट कर लिया। जब आप एंटर मारते हो ना, जैसे मैंने स्मॉल में लिखा था, ये ऑटोमेटिकल कैपिटल में आता, दैट मीन्स आपका जो लिखा हुआ है वो ठीक है, ये अपने आप अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग ये ले लेता है। इन केस एरर आती है तो ये क्या करे, लास्ट में चला जाए, ठीक है। गो टू लास्ट, ठीक है। एरर आने के बाद अगर नहीं जाता तो क्या करे, आपका इनपुट बॉक्स आए, ठीक है। इनपुट बॉक्स में क्या लिखा है, एंटर नंबर ऑफ कॉलम टू इंसर्ट, जितने कॉलम इंसर्ट करने हैं वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दो। और टाइटल में क्या लिखा है, इंसर्ट कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं लूप चलाऊंगी, लूप कहाँ से चलेगा, जे इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होके ये चलेगा आपका आई तक, वन से स्टार्ट करो आई में, क्योंकि नंबर्स दे रखे ना आपके कितने नंबर तक चले, वन मैं मान के चल रही हूँ, कम से कम एक तो इंसर्ट करवाए गई हो, है ना। अगर वो एक और कहता है तो एक तक चलेगा, अगर टू कहता है टू तक चलेगा, फाइव कहता है तो फाइव तक चलेगा लूप आपका, ओके। सेलेक्शन करेंगे इंसर्ट में, ठीक है। शिफ्ट लगाएंगे, कीज यूज़ होंगी आपकी जो आपको लेफ्ट राइट सेंटर ले जाती है, ठीक है। जो आपकी फोर कीज़ होती हैं उसमें से राइट साइड जाएगा, एंड कॉपी करें किसको, ओरिजिन्स को, ठीक है। डबल डॉट लगाएंगे, एक्सेल फॉर्मेट सेम रखें, जो भी उसका फॉर्मेट हो उसके हिसाब से, फ्रॉम राइट और अपर, ठीक है। एंटर मारेंगे, नेक्स्ट जे करेंगे, लास्ट में जाएंगे, लास्ट में भेजा था ना हम लोगों ने, अगर वो लास्ट में आता तो सबको एग्जिट कर जाए, ठीक है। फाइव करके देखे, अब ये पूछा ना कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं, पहले मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो पता नहीं चलेगा, देख लो यहाँ पे करके देखना है। तो अगर यहाँ से करवाना है आपको तो मैक्रोज में जाओगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, इंसर्ट कॉलम करोगे, रन करवाओगे, कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं, थ्री, देन ओके। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा ना, इसलिए मैं कह रही थी, यहाँ पे गए मैक्रोस में गए, ठीक है, रन करवाया मैंने, यहाँ पे फाइव कॉलम इंसर्ट करने हैं, ओके कर दिए, देखो फाइव कॉलम इंसर्ट हो गए, राइट साइड में इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट कमांड है ऑल्ट प्लस F8, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और ऑल्ट F8 दबाते हो तब भी आप एंटायर कॉलम को, ये देखो इसने कर लिया ना, ये था एक्टिव सेल का जो उसने एक्टिव किया, पूरी रो को एंटायर रो को सिलेक्शन कर लिया, और जितनी भी रोज़ आपको टू रो इंसर्ट करनी है उतनी रोज ने और इंसर्ट कर ली, ठीक है, कॉलम सॉरी इंसर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होता हो तो कमेंट। जैसे हम लोगों ने इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स का बनाया था, ऐसे ही सेम मैं क्या बना सकती हूँ, यहाँ पर इंसर्ट मल्टीपल रोज़ का बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल्स रोज लिखी, उसके नाम का हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया। आप एक के अंदर मॉड्यूल के अंदर कितने ही प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। टीम लिया मैंने आई एंड जे एज ए इंटीजर, सेम वही चलेगा आपका। एक्टिव यहाँ पे सेल किया हमने, डॉट एंटायर, यहाँ पे क्या करें, ये एंटायर रो को सिलेक्ट करें, ठीक है, कॉलम को नहीं, एंटायर रो डॉट, इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ओके। ऑन एरर, अगर एरर आती है तो क्या करें, गो टू लास्ट, ठीक है, लास्ट में पहुंच जाए, जैसे हमने पहले भी किया था। आई लिखा मैंने यहाँ पे, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट बॉक्स, मेरी चीज कुछ ज़्यादा ही फ्री है, इनपुट बॉक्स, यहाँ पे लिखा मैंने एंटर,
ठीक है, नंबर ऑफ रोज, रोज टू इंसर्ट, जितनी मुझे इंसर्ट करनी है रोज, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने इंसर्ट रोज। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे डबल कोट्स आएगा आपका, डबल कोट्स के अंदर ही प्रिंट होती है ना वैल्यूज, इसलिए जे इज इक्वल टू वन टू आई। ठीक है, जे कहाँ से चलेगा, वन टू आई के बीस तक चलेगा। नेक्स्ट सेलेक्शन करेगा आपका, ठीक है, डॉट इंसर्ट शिफ्ट, ठीक है, डबल डॉट इक्वल टू एक्सेल टू राइट गए थे हम लोग, इस बार रहेंगे एक्सेल टू डाउन, नीचे तक लेके जाए। ठीक है, कॉपी करें ओरिजिन को, ठीक है, डबल डॉट इक्वल टू क्या करना है यहाँ पे, एक्सेल फॉर्मेट करेगा आपका। ठीक है, फ्रॉम फॉर्मेट कहाँ से करेगा, फ्रॉम राइट टू राइट और अबव, ठीक है, इनके पीछे कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, नीचे आ जाएंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट जे तक जाए, बाकी सब कोडिंग सेम है, लास्ट में एग्जिट कर जाए सब। देखो मैंने पूरा सेम ही लिखा है। F5 करोगे यहाँ पे, कितनी रोज इंसर्ट करनी है, 4, ओके कर दोगे। अब ये चला नहीं पता चलेगा ना। पहले मैं इसको डिलीट मार देती हूँ। सेम यहाँ सिलेक्शन किया, होम में गए, कलर लिया मैंने यहाँ पे कोई भी, सेम ही कलर आ रहा है, चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने एक और रो ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट F8 बताया था मैंने अभी आपको, इंसर्ट कॉलम करना है, रो करना है यहाँ से, ठीक है। रन, कितनी कॉलम चाहिए, रोज चाहिए मुझे, 5, देन ओके। नहीं आई, देखो यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा आ गया, तो अब चेक करें हम लोग। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ना डाउन में होगी, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, ऑल्ट F8 किया, ठीक है, कॉलम चाहिए इंसर्ट करना या रो करनी है, यहाँ से लिया, 4 करना है रोज इंसर्ट, तो 4 रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब मैंने कलर वही सेम डाल दिया, आप चाहो तो बीच में करना, न्यूट्रल में, नो फिर, जैसे कि मैं अगर यहाँ करती हूँ इधर, या बीच में कहीं भी सिलेक्शन करती हूँ, ऑल्ट F8 रोज रन, कितनी रोज चाहिए, 2 रोज, देन ओके, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट पूरा कर दिया और नीचे डाउन में आपका ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे फंक्शंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।